हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का फिर से आज की एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रो ऐप के बारे में। दोस्तों यदि आपका ग्रो ऐप में अकाउंट है तो आप पर रेफर से 500 रुपया का इनकम कर सकते हैं और अनलिमिटेड रेफरल करके आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने ग्रो ऐप में अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है तो किस तरह से ग्रो ऐप में अकाउंट बनाया जाता है, इसी के बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसके बाद आप भी ग्रो ऐप के माध्यम से पर रेफर से 500 रुपया और अनलिमिटेड रेफर करके अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके ऑल कर दीजिए ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सबको बतलाना चाहता हूं कि ग्रो ऐप में अकाउंट बनाने से क्या क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों पहला जो बेनिफिट है, 0 रुपया अकाउंट ओपनिंग चार्ज है, 0 रुपया ब्रोकरेज चार्ज है, फुल पेपरलेस प्रोसेस यहाँ पर होता है और साथ ही साथ ग्रो ऐप के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जान लेते हैं ग्रो ऐप में अकाउंट ओपनिंग कराने के लिए कंपनी का टर्म और कंडीशन का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो आपका एज जो है 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, आपके पास वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहां पे जो है अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए आप सबसे पहले जान लेते हैं कि आप ग्रो ऐप में अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप यहां से रेफर करके पर रेफर से 500 रुपया इनकम किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों ग्रो ऐप में अकाउंट बनाने के लिए ग्रो ऐप का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के रेफर लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको कस्टमर का नेम, यानी कि जिसके नेम से आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो उसका नेम डाल देना है, नीचे कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देना है और नीचे यहाँ पे जीमेल आईडी डाल करके यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसे आप सबमिट कीजिएगा तो उसके बाद जो है आप जो है यहाँ पे प्ले स्टोर में आ जाएंगे। तो प्ले स्टोर में सबसे पहले आपको ग्रो ऐप को जो है इस तरह से आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे जो है इस तरह से ओपन करना है और जैसे ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो कर जाएगा। यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है कंटिन्यू विथ गूगल और नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू विथ अदर जीमेल। तो यदि आप यहाँ पे चाहे तो डायरेक्ट कंटिन्यू विथ गूगल वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करके साइनअप कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू विथ अदर जीमेल पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है कंटिन्यू विथ अदर जीमेल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है जीमेल आईडी मांगा जाता है, तो यहाँ पे अपना जीमेल आईडी आपको फिर से फिलअप कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके जीमेल पे एक ओटीपी सेंड किया गया होगा, तो ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप करना है और उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है पासवर्ड लगाने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे 8 डिजिट से लेकर के 30 डिजिट तक का आप जो है कोई सा भी पासवर्ड, जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे पासवर्ड लगा देना है और उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पे ओटीपी फिलअप करना है। उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पैन नंबर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे अपना पैन नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे हेलो जो भी नाम होगा आपको इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आपको नेम जो है कन्फर्म करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपके पैन कार्ड पे जिस तरह से नेम होगा यदि आपको सही लगता है तो यहाँ से कन्फर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर पूछा जाएगा, तो यहाँ पे यदि आप मेल होंगे तो मेल, फीमेल होंगे तो फीमेल, जो भी होंगे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा तो अगला पेज यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे यदि आप सिंगल हैं तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जा रहा है, जो आप क्या करते हैं, तो यदि आप यहाँ पे जो है जॉब करते हैं, जो भी करते हैं आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है इनकम के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अप टू 1 लाख कर सकते हैं या फिर आपको इससे ज़्यादा इनकम है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो जितना दिन का है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि नहीं है तो नो एक्सपीरियंस पे क्लिक करके यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स रिक्वायर्ड टू फिनिश केवाईसी, तो यहाँ पे ऊपर में आपको जो है मदर्स का नेम डाल देना है, नीचे फादर्स के नेम डाल करके यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ पे चूज योर बैंक आ रहा है, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करके अपने बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सर्च बाय बैंक नेम पे क्लिक करके सर्च करके भी अपने बैंक को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट फाइंड योर ब्रांच के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके आप अपने बैंक का IFSC कोड डाल करके यहाँ पे से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, उसके बाद वेरीफाई बैंक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टैग फोटो का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना यहाँ पे एक सेल्फी दे देना है। उसके बाद यहाँ पे कंग्रेचुलेशन लिखा करके आ जाएगा, उसके बाद नीचे यहाँ पे कंप्लीट अकाउंट एक्शन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसके बाद प्रोसीड टू सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना एक सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नॉमिनी नेम ऐड करने का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे नो स्किप दिस पे क्लिक करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। आधार ई साइन का ऑप्शन आ रहा है, तो नीचे यहाँ पे प्रोसीड टू आधार ई साइन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो है आपको प्रोसीड ई साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे जो है साइन नो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे NSDL का पेज आपको आ जाएगा, तो यहाँ पे इस बॉक्स में आपको टिक कर देना है और यहाँ पे जो है आपको अपना आधार कार्ड जो है फिलअप कर देना है। सेंड OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, तो आपको यहाँ पे OTP फिलअप करना है और OTP फिलअप करने के बाद वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है साइनिंग सक्सेसफुली करके आ जाएगा, यहाँ पे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ से ऑटोमेटिक जो है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन आपके नाम लिखा करके इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से जो है ऐड मनी टू इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मनी ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा और 24 से 48 घंटा के अंदर आपके ID को एक्टिव कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है आप बड़ी आसानी से जो है ग्रो ऐप में अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद जैसे आपका 24 से 48 घंटा में आपका ID एक्टिव होता है, तो उसके बाद यहाँ से प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करके मिनिमम 100 रुपया आपको जो है यहाँ पे ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद यहाँ पे जो है कम से कम एक ट्रेड आपको कर लेना है, जिसके बाद आप जो है यहाँ से रेफरल इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ग्रो एप्लीकेशन में ट्रेड किस तरह से किया जाता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा या फिर और भी YouTube पे वीडियो पड़ा है जिसे देख करके आप बड़ी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए आप जान लेते हैं कि आप ग्रो ऐप से रेफर करके पर रेफर से 500 रुपया किस तरह से इनकम कर सकते हैं। तो ग्रो ऐप से रेफर करके एक रेफर से 500 रुपया इनकम करने के लिए इसके लिए आपको यहाँ पे ग्रोमो एप्लीकेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा या फिर बैंक साथी एप्लीकेशन में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है इसके रिगार्डिंग हमने पहले वीडियो बना रखे हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ इस दोनों एप्लीकेशन का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे ग्रोमो को इस तरह से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे ग्रो वाले एप्लीकेशन पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्न टू 500। यहाँ पे जो है आप एक रेफर करके 500 रुपया का इनकम कर सकते हैं। तो इसका कंडीशन ये है कि जैसे किसी फ्रेंड को आप रेफर करते हैं तो जैसे उसका अकाउंट जो है ओपनिंग हो जाता है तो 200 रुपया आपको मिल जाता है और जैसे वहाँ से वो फर्स्ट ट्रेड कम्प्लीट कर लेता है तो 300 रुपया फिर आपको मिल जाता है, यानी कि कुल यहाँ से आपको 500 रुपया का इनकम होने वाला है। इसी तरह से आपको बैंक साथी से भी मिल जाएगा। तो दोनों एप्लीकेशन का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको जो है रेफरल कोड जो है आपको यूज कर लेना है, रेफरल कोड भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।